मुश्किल में भी काम आए। बदतरीन मौशी हालात में चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा चीनी बैंक ने 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्जे की मंजूरी दे दी। 50 करोड़ डॉलर मौसूल हो गए। इससे जर मुबादला के जखायर में मजीद इजाफा होगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 41.07% हो गई। आटा, घी, चीनी, ताजा दूध, बकरे के गोश्त, चावल और नमक समेत रवा हफ्ते के दौरान 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 10 में इस्तेहकाम रहा। मुझे कत्ल करने का दूसरा मंसूबा भी बन चुका है, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का दावा। कहा मुझे यकीन है कि जिन 3 लोगों को नामजद किया वही मुझे कत्ल करवाने की कोशिश में मुलव्वस हैं। हमने आईन को देखते हुए अपनी हुकूमतें कुर्बान की। अदलिया को एतमाद दिलाता हूं कि कौम उनके साथ खड़ी है। जेल भरो तहरीक के तहत मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तारियां देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान को रिहा कर दिया गया। रिहाई पाने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर आजम सवाती, जुल्फी बुखारी, उमर सरफराज चीमा और फयाजुल हसन चौहान समेत दीगर रहनुमा शामिल। कारकुनान की जानिब से रिहाई पाने वाले रहनुमाओं का पुरतपाक तर्ज हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तमाम असीरान को मुबारकबाद, किसी ने घुटने नहीं टेके, हमारे हौसले पस्त नहीं बुलंद हैं। सोच समझ कर पाकिस्तान के आइन के लिए गिरफ्तारी दी थी, गिरफ्तारी देकर खौफ का बुत तोड़ा है। 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म, अदलिया का सुनहरी फैसला है। पंजाब में हमारी हुकूमत बनी तो जेल इस्लाहात लाएंगे। इमरान खान से कहूंगा सिर्फ वजीर आजम नहीं बनना, कौम बनानी है। जेल हुकाम से सिर्फ एक शिकायत है, उन्होंने कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर उन पर तंज। कहा तहरीक इंसाफ के उन तमाम वर्कर्स को सलाम जिन्होंने हकीकी आजादी की तहरीक के लिए जेल की सौबतें बर्दाश्त की, लेकिन उनके हौसले अब भी उतने ही बुलंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इंतखाबात की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमीशन का खत। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से गवर्नर सूबाई असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए तारीख दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन को तारीख का इंतजार है। खत का मतन पंजाब में आम इंतखाबात का बिगल बज गया, तैयारियां शुरू। पीटीआई मैदान में उतरने को तैयार। इमरान खान आज लाइव खिताब में इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। टिकट की तकसीम भी जल्द शुरू हो जाएगी। तीस अप्रैल को इलेक्शन होते हैं या अभी इश्के इम्तिहान और भी हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा पीडीएम की मुशावरत का फैसला अभी सामने नहीं आया। इलेक्शन से भागने की कोशिश की गई तो नजरिया जरूरत जन्म पाएगा। इलेक्शन में ही मुल्क की बका है, हाजियों के लिए भी खजाना खाली है, अब डॉलर वाले हज कर सकेंगे। मरियम नवाज और नून लीग को अपने मुकदमे मुआफ करवाने की लालच है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज और नून लीग सियासत के खेल में फंस चुके हैं, अब इलेक्शन में जाएं तो फारिग और ना जाएं तो सियासत ही फारिग। इत्तेहादी हुकूमत के 3 बड़ों की बैठक। आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम को इंतखाबात में ताखीर न करने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के इल्तवा की हामी। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के इंतखाबात मिल बैठ कर करने पर मुशावरत। इंशाल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं, मरियम नवाज को कोई तकरीर करने की जरूरत नहीं। अब जहां जहां ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। ऑडियो लीक ने इमरान खान की सियासत का पोल खोल दिया। बात की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रक दिखा दें, ट्रक के चारों टायर पंक्चर करके छोड़ेंगे। मरियम नवाज का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। परवेज इलाही पर लफ्जी वार किए, कहा अदालत बुलाती है तो लाडला प्लस्तर दिखा देता है। 5 माह गुजर गए, ये कैसा प्लस्तर है जो उतर ही नहीं रहा।
आरटीएस बिठाकर इलेक्शन जीतने वाला देख ले, आवाम का समंदर नून लीग के साथ है। इमरान खान ने एक बार फिर मिन्नत समाजत शुरू कर दी है। गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो इमरान खान पांव पकड़ने पर आ गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं 10 माह इदारों के खिलाफ हरजा सराई की और अब कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान आर्मी चीफ को बातचीत की नहीं इख्तदार में लाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। लाहौर में आज फिर अहम बैठक। निगरान वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 8वां इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतालिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब के वादा मुआफ गवाह आरिफ मजीद ने भी शहबाज शरीफ को क्लियर करार दे दिया। नैब कोर्ट लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस पर समाअत। वादा मुआफ गवाह इसरार सईद भी शहबाज शरीफ को क्लियर करार दे चुके हैं।